Hi everyone, I am Faraz and I am a software engineer at Google. तो यार आज उन सभी लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास रिज्यूमे में मेंशन करने के लिए कोई इंटर्नशिप नहीं है या फिर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। ओपन सोर्स, आप सभी ने ओपन सोर्स का नाम सुना होगा। आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से प्रीरिक्विजिट हैं और बेनिफिट्स क्या क्या हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिल जाता है। So let us start with the video. Before that, hit the like button और video को end तक देखना ताकि आपको एक complete information मिले। Alright, सबसे पहले what is open source? आप लोगों ने VLC media player use किया होगा या Mozilla Firefox use किया होगा। These are open source projects। ये जो softwares हैं, these are free to use और इनका जो source code है that is publicly available। आप लोग जाकर के exact इनका code देख सकते हैं line by line। Right? You can contribute to that code, you can modify that code, redistribute that code. अभी जब code ही available है openly, तो ये जो projects हैं, ये जो softwares हैं, these softwares are free to use. मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी VLC Meetup के लिए कभी pay किया होगा. So these are some open source projects and these projects are maintained by open source communities. And आप लोग भी इन communities का part बन सकते हैं by contributing to these projects. Alright, so now let us talk about the benefits of open source contribution. सबसे पहला benefit networking, which is very very important. तो यार जब आप लोग किसी भी open source community में काम कर रहे होते हैं, you get to know a lot of people, those who are already working in that community. आप लोग को उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं. Whenever you get stuck, you get help from your community. और यार जो networking की power है ना, ये college में हमें भले ही पता ना चले, लेकिन जैसे ही आप graduate होते हैं ना, आप लोगों के networking की power पता चल जाती है. Now the second important thing is skill set. आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट में दो तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. पहला, आपको एक स्पेसिफिक स्किल सेट आता है, मान लो कि आपको कोई फ्रेमवर्क आता है, राइट? सो यू कैन सर्च अ प्रोजेक्ट जो कि आपकी जो स्किल्स हैं आपके स्किल सेट से अलाइन कर रहा हो. सेकंड वे इज कि आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन लर्न अ न्यू स्किल सेट फॉर दैट प्रोजेक्ट. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें पहले से आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक लेवल से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू बी गुड एट, चलो प्रीरिक्विजिट की बात हम लोग अलग से करेंगे, बट देयर इज अ बेयर मिनिमम दैट यू हैड टू नो बिफोर यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग. तो आपका स्किल सेट तो डेफिनेटली इंप्रूव होगा. जहां भी आप लोग स्टक होते हैं, आप लोगों को आपकी कम्युनिटी से, आपके नेटवर्क से हेल्प मिलेगी. ऑलराइट, नाउ थर्ड, रिज्यूमे बिल्डिंग. तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हम लोगों ने कोई इंटर्नशिप तो करी नहीं है, हमने कहीं फुल टाइम जॉब भी नहीं करी, तो हमने वर्क एक्सपीरियंस में क्या मेंशन करें. यू कैन एक्चुअली मेंशन दीज अपॉर्चुनिटीज एंड दीज कंट्रीब्यूशंस इन योर वर्क एक्सपीरियंस एज वेल एज इन योर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है फॉर योर रिज्यूमे. और रिज्यूमे में दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे हाईलाइट, आपका रिज्यूमे अलग से रिफ्लेक्ट होता है व्हेन यू पुट योर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस इन योर रिज्यूमे. ओके, नाउ द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टाइपेंड. यार बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, GSoC, MLH Fellowship, Outreachy, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड मिल जाता है. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रोग्राम्स. और कई बार क्या होता है कि व्हेन यू बिल्ड दैट नेटवर्क, यू ऑल्सो गेट फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज रिमोट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम दीज ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस. ओके, तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम cryo.do. cryo.do एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पर काम करते करते लर्निंग कर सकते हैं. यहाँ पर आपका एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से चीज़ें कवर होती हैं. सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो भी बिल्कुल डिटेल में कवर होंगे. देन आपका आता है डेवलपर्स फंडामेंटल, उसके बाद फिर आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. एंड एट द एंड यहाँ पर आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग होती है एंड प्लेसमेंट्स. सो इट इज़ अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम जहाँ पर आप लोग की प्लेसमेंट गारंटी ली जाती है. और जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर दैट इज 11 LPA एंड अप टू 40 LPA यहाँ पर पैकेजेस जाते हैं. तो ये दो लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है. एक तो वो जो स्विच देख रहे हैं या फिर अपना सैलरी हाइक देख रहे हैं, एंड सेकंड जो लोग अपना नॉन आईटी से आईटी फील्ड में आना चाहते हैं. तो यार दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिल जाएगा. सेकंड, यहाँ पर आपके वेबिनार्स होंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू. और तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको वन ऑन वन मेंटरशिप मिल जाएगी, अगेन जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके थ्रू. तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री क्लास का, डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर एंड चेक इट आउट. ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रीरिक्विजिट. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग. फिर हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कंट्रीब्यूशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग प्रोजेक्ट्स कैसे ढूंढ सकते हैं, एंड फाइनली विल टॉक अबाउट द मेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम्स. ठीक है, सो प्रीरिक्विजिट में नंबर वन प्रीरिक्विजिट इज द लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. किसी भी एक लैंग्वेज को आप लोग पकड़ लो एंड यू विल बी फ्लुएंट विद दैट लैंग्वेज. अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको एक लैंग्वेज आती है ना, जो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांजिशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम एफर्ट नहीं लगता है. सो प्लीज़ बी गुड एट वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज.
ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन. यू कैन सेलेक्ट पाइथन इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मुझे काम करना चाहिए. द सेकंड प्रीरिक्विजिट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, गिट एंड गिटहब. ओके, यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिट एंड गिटहब. व्हाट आर ब्रांचेस, व्हाट आर कमिट्स, व्हाट आर पुल रिक्वेस्ट, हाउ टू फोर्क, हाउ टू क्लोन. ये जो बेसिक चीजें हैं इनकी आपको अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली होनी चाहिए. ठीक है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, एक काफी अच्छी सी वीडियो है, यू कैन रेफर दैट वीडियो एंड हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिट एंड गिटहब. थर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स है, मुझे पता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ना बातचीत नहीं करना चाहते हैं. मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर इंट्रोवर्ट, इवन आई वॉज एन इंट्रोवर्ट बिफोर आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स. बट यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ दैट कम्फर्ट जोन एंड यू विल हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग टू बिल्ड दैट नेटवर्क, टू गेट योर वर्क डन, टू लेट अदर्स नो कि आपने क्या काम किया है. राइट, सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कम्फर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आओ एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद पीपल. Now the fourth prerequisite is basic understanding of development tools. For example, your IDE, जिस पे आप लोग काम करते हैं. Alright, तो ये bare minimum सा prerequisite है. I don't think it's a huge thing. बहुत ही basic सी चीजें हैं. And then बाकी जो learning process है वो आप लोग contribute करते करते continue कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पहले से आना चाहिए and then only you will start contributing. Now let us move forward and see कि आप लोग कैसे अपना first open source project ढूंढ सकते हैं and how you can start contributing to that project. So there are three famous platforms where you can go and search for your project. First is Up for Grabs. Okay. Second is GitHub Explore. The third is Contributor Ninja. ठीक है, बाकी और भी platforms हैं जिनकी link मैं description में दे दूंगा. यहाँ पर जाकर के you can search for your favorite project on which you want to contribute. After selecting project, you can go to the GitHub repository and search for the labels such as Help Wanted and First Issues. And you can start working on these issues. There ye bahut hi simple si cycle hoti hai. Fork their repository, clone it, make your change and make a pull request. Okay? Yehi cycle aapko repeat karni hai to make contribution and bahut hi simple process hai. Trust me, ek bar agar aap contribute karna start karoge na, aap logo ko maza aa jayega. Now let us talk about the favorite open source programs jinse aapko bahut hi acha stipend milta hai and these programs look amazing on your resume. All right, so now let us start with the most famous program, GSoC. Google Summer of Code. Students were crazy about it when I was in college और अभी भी मैं seminars में जाता हूँ ना, so students definitely ask about this program. It's a 12-week program और इसकी applications अभी open है 4th of May तक, so definitely go and apply for this. Now let us talk about कि करना क्या होता है इसमें. तो यार GSoC में ना बहुत सारी organizations आती हैं अपने अपने projects लेकर के. The first step is to go through the list of organizations and review their projects. Second step is you can connect with the organization and discuss about your project proposals. Third step is the application part. You should write a proposal to the organization and wait for them to approve it. Fourth step mein organization us approval ko approve karengi and then you can start the community bonding. So ek bonding period hota hai where you can connect with the mentors, the organization, the folks that are going to be contributing in this project. So this is very important phase, make your connections. Okay? Then the coding part. You can start contributing and with contribution you will get reviews from your mentors ki bhai aapka jo code hai yahan par is tarike se likh sakte the, ye clean nahi hai, aapko ye cheeze seekhni hai. They will give you the resources jo ki aapko padhne honge, right? So they will help you throughout the journey. With their help you will complete the code and you will make the modifications accordingly. The final step is to submit this report and get your stipend. Abhi stipend kitna hota hai? So there are two stipends. One is for small and medium sized projects. It is 1500 USD. Hisab laga lena, INR mein convert kar lena current rate ke hisab se. And for larger projects it is 3000 USD, jo ki kafi acha hai for a 12 weeks program. Now the second program is Outreachy. Again it's an amazing program aur yahan par to aapko open source contribution ke sath sath kai baar full time aur internship opportunities bhi mil jati hain. So it's again a 12 weeks program. Application start hoti hai Jan and Feb mein. मार्च तक आते आते आपको अपना प्रोजेक्ट फाइनलाइज करना होता है एंड अराउंड मे यू वांट टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग. तो यार अभी तो टाइम निकल गया है बट नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर ट्राई करना. और आउटरीच का स्टाइपेंड क्रेजी है, इट इज 7000 USD. बाकी इसकी जो डिटेल्स है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रोग्राम, MLH Fellowship. It's a 12 weeks program and the application deadline is in early March. The project will start from late May and the stipend is 5000. Yahan par teen track hote hain aapke. The first track is site reliability engineering, second track is web3 engineering and the third track is software engineering. Jo bhi aapka preferred track hai, fill the application according to the preferred project and the preferred track and submit your applications. And then you can start contributing, get it reviewed, be regular in updates and submit your project.
Alright, so these were some famous open source programs. I would definitely recommend you to check it out. Ja karke zarur apply kar dena, jisme bhi aap log apply kar sakte hain. Baaki aur bhi open source programs hain jinki list maine description mein di hui hai. There are a lot of resources present in description, starting from the learning resource to open source programs. So you can go and definitely check out description aur yaar video zarur like kar dena. And agar aapko kisi bhi open source program ke bare mein detail mein video chahiye, so do let me know. I will be working on those videos as well. Okay? Hum log milte hain next video mein, tab tak ke liye bye bye.